પોતાના પક્ષ કોંગ્રેસથી નારાજ ચાલતા હાર્દિક પટેલે જ્યારે સૂર બદલ્યા અને ભારતીય જનતા પાર્ટીના વખાણ કરવાનું શરૂ કર્યું તો ગુજરાતના રાજકારણમાં કેટલાય ક્યાસ લાગવાના શરૂ થઈ ગયા અને જ્યારે ભાજપના આ પ્રકારે વખાણ કરવાને લઈને પ્રદેશ પ્રભારી એવા રઘુ શર્માને સવાલ કરાયો હાર્દિક પટેલને લઈને ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ પક્ષનો આંતરિક મામલો છે વધુ શું કહ્યું છે રઘુ શર્માએ તે સાંભળીએ આ વિડિયોમાં નમસ્કાર હું નીલમ ખારેચા આપ જોઈ રહ્યા છો ગુજરાત તક યાર અમારી પાર્ટી કે કોઈ નેતા અગર દિલ્હી જાતે હે જેસે પરેશ ધાનાણીજી કે લિયે આપને બોલા વો જઈ સકતે મિલ સકતે સબસે આ સવાલ નરેશ પટેલજી કા वो बहुत ही सामाजिक और सम्मानित नेता है गुजरात के। अगर वो कांग्रेस नेतृत्व से मिलने दिल्ली गए हैं ये तो खुशी की बात है। मैंने तो शुरू से कहा है कि कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों का स्वागत है और उनके आने से पार्टी को ताकत मिलेगी। ये हमारी पार्टी की सबकी विचार है। जितने भी हमारे नेता हैं सब वेलकम कर रहे हैं, वो आए तो स्वागत है। हार्दिक पटेल आपसे नाराज है सर। हार्दिक पटेल और ललित बसोया दो आपके ऐसे नेता हैं जिन्होंने भाजपा की तारीफ की है, आप क्या मानते हैं उसके बारे में? देखिए इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। अगर मैंने तारीफ की है तो मैं ही जवाब दूंगा कि वो किस संदर्भ में उन्होंने ये बात कही है। मुझे वो मिलेंगे, मैं उनसे भी पूछूंगा, लेकिन संदर्भ जो है कि उन्होंने ये किस परिप्रेक्ष्य में बात कही है वो बात तो जो बोलने वाला वही बता सकता। पॉलिटिकल पॉलिसीज जो है अपनी पार्टी जो पॉलिसीज है उसके बारे में उसको उन्होंने अप्रिशिएट किया है बीजेपी को, मेरी जानकारी में नहीं है। जब वो मिलेंगे तो पता करूंगा और वो किस संदर्भ में उन्होंने बोला वो बता। हार्दिक के बारे में बात है शर्मा जी, तो क्या उस मामले को कहीं ना कहीं समझाने या उसको शांत करने का कुछ प्रयास हो रहा है, क्या हो रहा है? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रही आपका सवाल, मुझे समझ में नहीं आ रहा। नाराजगी उन्होंने स्पष्ट कर दिया ना कि नाराजगी हमारी पार्टी के अंदर का मामला है। हमारे परिवार में कल मैं सुखराम भाई से नाराज हो जाऊं या हमारे जो उपनेता है शैलेश भाई वो मुझसे नाराज हो जाए तो परिवार में होता रहता है। जो आपने हमारा वीडियो पसंद आवे हो तो लाइक और शेयर करवानो भूलता नहीं, साथ ही तमाम पॉलिटिकल खबर माटे जोता रहो गुजरात तक।